सारी चीजें अब कंपैरिजन की तो कोई लिमिट नहीं होती, मतलब कोई किसी भी चीज को लेके किसी भी चीज से कंपेयर कर सकते हैं, बट इट्स गुड अगर एक रिकॉल वैल्यू होता है, रिकॉल इट्स गुड फॉर फिल्म बोलिए मेरे भाई, आपकी आवाज आपकी पिच बहुत लो है। वाजिद भाई ऐसे आ रहा है, वाजिद भाई बहुत अच्छी आवाज है, बहुत अच्छी आवाज है। जी तू कहाँ से बोला? पेड़ से खड़े होके बोलते बेटा, दिख नहीं रहा तू खड़े हुए। हाँ देखिए, ये देश ऐसा है कि यहाँ पर हर शख्स को अपनी बात कहने का पूरा हक है। जैसे आप सवाल कर सकते हो, ऐसे कोई भी जवाब दे सकता है। गाने की जहाँ तक बात है, हर शख्स गा सकता है। प्रूफ आप जब सुनोगे, फिर वो मैं कहूँगा कि आपको अच्छा लगता है तो आप उसको सराहते हो, आपको बुरा लगता है तो आप उसको नहीं सराहते हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आप में अगर ताकत है कुछ करने की तो व्हाई नॉट, गो अहेड एंड डू इट। और ये मतलब म्यूज़िक की बात जहाँ तक है कि छंद अलग अलग किस्म के होते हैं, लेकिन इसके अंदर हम लोग जो है बहुत मॉडर्न अप्रोच लेके चल रहे हैं विथ मेलेडी एंड विथ ताल। सो डिफरेंट डिफरेंट टेम्पो के अंदर हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। बट येट जैसे मैं अभी सबसे बात कर रहा था तो मैंने कहा कि आजकल जैसे हर गाना हो रहा है तो हर गाने में रैप आ जाता है, सो वी विल बी अवॉइडिंग दैट बिकॉज इट्स टू मच ऑफ रैप हैपनिंग। सो इस तरीके से गाना हम लोग ज़्यादा करके एक जो इंटरनेशनल हार्मनी स्टाइल है उस स्टाइल को लेके हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा होगा। तो इसमें जैसे आपने कहा कि 18 सिंगर होते हैं, 18 सिंगर तो नहीं होंगे, लेकिन अगर 5 सिंगर गा रहे हैं तो पाँचों एक जैसे साउंड करेंगे। तो ये क्वालिटी मैं ऐसा प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ कि जिसके अंदर जो जो सिंगर्स आए वो एक सिंगर्स अपनी एक अलग से छाप देखे जाए। और एक रोमांटिक गाना है जो आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो राहत भाई गाने वाले हैं, उनकी फ़्लाइट थोड़ी डिले हो गई तो रात को लेट पहुँचेंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली टुमारो और डे आफ्टर टुमारो विल बी रिकॉर्डिंग दैट। सो आफ्टर कमिंग बैक, मतलब जो इंडिया उन्होंने आना शुरू किया उसके बाद ये पहला गाना होगा उनका। सो आई होप दैट दिस वर्क्स एंड ही इज़ वेरी एक्साइटेड। सो जो एक कलाकार और जो आर्टिस्ट की जहाँ ज़रूरत है, जहाँ तक कि अच्छे आर्टिस्टों की बात है, वी आर ट्राइंग टू यूज़ बेस्ट ऑफ आर्टिस्ट एंड यंग आर्टिस्ट एज वेल। अभी जो गाना गा रहे हैं अभी फ़िलहाल दिव्य कुमार गा रहे हैं, शबाब साबरी गा रहे हैं एंड नीति मोहन इज सिंगिंग वन सॉन्ग। सो दिस आर द काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन वी वॉन्ट टू ट्राई एंड यूज़ फॉर देम। सो आई होप दैट दिस विल वर्क वेल। और बेसिकली कोशिश ही करी जाती है, आगे कितनी कामयाब होती है ये तो आप लोग बताओ। जरूर बोलेंगे। यार या तो आप लोग ने पेंटर बनाते हो कुछ शेड वेड के बारे में बात करते हो, या कुक बनाते हो फ्लेवर पूछ करते हो। अच्छा रहने वाला ये प्रेडिक्शन आप सर, इससे वो सारे मिथ टूट जाएंगे। मतलब हाँ टूटना तो संभव है, संभव है हर चीज बता देगी तो टिकट बुक करेंगे। ह्यूमर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, अपने 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 मैनिपुलेशंस खुद करना जानता है क्यों वो पीआर एक्सरसाइज का इतना वैल्यू है। बट अल्टीमेटली शूट इन अक्टूबर 15 अक्टूबर की स्टार्टिंग द शूट एंड ऑल। बेसिकली इट इज अ स्टोरी अबाउट द टॉवर पॉइंट ऑफ। सो वी शूटिंग द एंटायर फिल्म माउंट अप एंड माउंट अप में आज तक कोई भी फिल्म एक फिल्म कयामत से कयामत तक जिसमें सिर्फ जिक्र हुआ था उसका, बट वो शूट वहाँ पे हुई थी। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर दैट मेरी फिल्म इज बीन शॉट इन माउंट अप। अच्छा सर, को कहाँ से ढूंढा आपने? काफी दिनों से पर्दे के पीछे थे सर। ये बचपन से मेरे साथ जुड़े अधिकारी ब्रदर्स में, वहाँ पे
में ये लिखते थे और इनको भी ना वो पूरे हेडचाल में वहाँ पर जो चार मोबाइल थे उसमें से एक असिस्टेंट आने लगता था उस टाइम में. सो जब मैंने अपनी पहली फिल्म बनाई पेंडी बजा सो दलित भाई ने मुंबई मेरा फिर उसी ने लिखी तो बाई डिफॉल्ट बट नहीं मेरा जो पूरा बैकबोन है मतलब ऐसी बात हो जाती है कि जब हमारे दोनों के बीच में मतभेद हो तो घर के सारे लोग को ये लगता है कि एक दूसरे को मार डालेंगे. मेरे को एक बात बताओ आप लोग प्लानिंग करके आए प्लानिंग करके आए आपसे भी पूछा मैंने तो मैं तो आपका भी प्लानिंग कर मैं ये सवाल नहीं है आप सीरीज आपका उसके बाद में आपका क्या कौन कौन सिंगल सिंगल वीडियो आते हैं म्यूजिक वीडियो आते हैं. अच्छा सिंगल सिंगल जी जी उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं ये ट्रेंड के बारे में आपको क्या कहना है जो इट ये एक्चुअली आप लोग चाहते हो आप लोग सिंगल्स करें. हां हां आप बताइए कि आपका क्या राय है वो सक्सेसफुल क्योंकि अभी जनरेशन मॉडल का अभी निर्धारित नहीं हो पा रहा. सी आई टेल यू वन थिंग सिंगल्स का जो चलन है वर्ल्ड में कई दिनों से चल रहा है मतलब कई सालों से चल रहा है और पहले से ही चल रहा है. बल्कि हमारे यहाँ एल्बम 90s के अंदर जब हमने फर्स्ट एल्बम किया था दीवाना एल्बम सोनू निगम गाए थे जिसमें सो उस टाइम पे मतलब एल्बम्स का दौर शुरू हुआ था वापस देने का दैट आई थिंक वी प्रोड्यूस्ड इन 97-98 एंड उसके बाद एक कुछ सालों तक म्यूज़िक एल्बम चला था पैरेलल म्यूज़िक इंडस्ट्री चली थी उसके बाद बिल्कुल फिल्म म्यूज़िक ने टेक ओवर कर लिया. अब एक अच्छी चीज़ है मुझे ऐसा लगता है कि ये दौर बहुत अच्छा है बिकॉज इंडिविजुअल आर्टिस्ट जो हैं ये जो फिल्म में काम नहीं कर सकते या फिल्म में किसी तरीके से बिकॉज फिल्म का जो एक जो विंडो है बहुत स्मॉल हो गया है बिकॉज एक फिल्म में तीन ही गाने चार गाने रहते हैं तो हर आदमी काम नहीं कर सकता. सो अपनी बात कहने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिल सकता. आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म एंड इसमें कोई भी आर्टिस्ट अपना गाना रख सकता है और आज सोशल मीडिया इतना एक्टिव है और यूट्यूब पे ट्विटर पे फेसबुक पे कहीं पे भी आप अपना गाना अपलोड कर सकते हैं और आईट्यून पे आप जब कर सकते हो तो उसके राइट्स आपके पास रहते हैं. ऐसे काफ़ी लोग हैं मेरे दोस्त जो खुद का गाना प्रोड्यूस करके आईट्यून पे सेल करते हैं और प्लस अगर वो गाना कोई पसंद कर लेता है तो फिल्म में भी आ जाता है. आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म और हर आर्टिस्ट को अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है तो जिसमें जितना दम है वो इतना म्यूजिक इज म्यूजिक इट कम्स फ्रॉम एनीवेयर इट पिक्स अप. It's a good line. हाँ जी मेरा डेटों का प्रॉब्लम ये फिर क्या होता है ना जिस दिन वो प्रॉब्लम ये होता है कि जब वॉन्टेड में इनको रोल दिया था सलमान भाई ने तो यू नो बहुत खुश थे ये फर्स्ट डे शूट हो रही है ये भाई सुनने लायक बात है और मैं गया फर्स्ट डे शूट हो रही है मेरा भाई शूटिंग कर रहा है तो मैंने कहा यार मैं जाता हूँ और मैं पहुँच गया तो सलमान भाई भी खुश हो गया मैंने अरे आ गया गाने वाने की बात हो रही है उनसे. अब मैं जब जाने लगा तो ये भूल गए शूट कर रहे हैं मेरे साथ चल दी गाड़ी में जैसे बैठने लगे तो एक असिस्टेंट आ रहे सर कंटिन्यूटी है आपकी अरे मैं भूल गया था यार मैं रिकॉर्डिंग में सोचा भी हम लोग तो ये इनका प्रॉब्लम हो जाता है थोड़ा और ये चलती शूटिंग में से भी गायब हो जाते हैं थोड़ा सा तो जो प्रोडक्शन वाले वो बोलते हैं भाई आप म्यूज़िक दे लो फर्स्ट क्लास बट आई मस्ट से साजिद भाई माइंड ब्लोइंग एक्टर है क्योंकि हम लोगों को ऑफ द कैमरा इतना हंसाते हैं ना ये बचपन से इसके बड़े भाई का रोल अच्छे से निभाते हैं. आई थिंक कुणाल मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी आप शुक्रिया आपने इस तरफ देखा आप कॉमेडी में आपने काफी बहुत एंटरटेन किया है दर्शकों को इस बार किस तरह की कॉमेडी होगी सिचुएशनल होगी आपने कोई खास तैयारी की है कोई लुक अपनाया है या हमेशा आप कभी वजन बढ़ाते हैं कभी घटाते हैं आप अपनी फिजिकलिटी पर भी बहुत सारा वर्क करते हैं तो इसमें तो मतलब एक देव की बात है तो कुछ क्या अलग होगा वो थोड़ा सा प्लीज बताएं. चाहे वो रीडिंग हो या रिहर्सल्स हो
मेनू में जाना साउंड सिस्टम लाइट रखेंगे थैंक यू सर थैंक यू